ज्यादा खेलती है, बहुत ज्यादा खेलती है अलीजा तो। वाओ अलीजा लोती नहीं है, अच्छी बेटी है। अलजू मलजू हाँ जी, अलजू मलजू हाँ जी। A few moments later, मैं आपको इन दोनों की शरारतें दिखाती हूँ। घर कितना भी क्लीन कर लो पर ये दोनों आपस में लगी रहती हैं। ओ अच्छा अमायरा कहाँ जा रही हो? यस अमायरा ना ट्यूशन जाने लग गई। ये रखी इसकी बुक्स और हमारा खा रही है दाल चावल। बेटा ऐसे नहीं इतना फैला के नहीं खाते हमारा। सभी जोहर की नमाज पढ़ के उठी हूँ मैं। बच्चे खेल रहे हैं घर में। रुखसार की आज अलग ही शिफ्ट थी 11 to 6। वो आज के इफ्तार में मुझे लगता नहीं हमें ज्वाइन कर पाएगी। कर भी लेगी तो थोड़ा लेट ही करेगी क्योंकि उसे आने में भी टाइम लग जाता है। सिर्फ 3 बच्चे, मैं मम्मी और पापा हैं। फहीम भी किसी काम से बाहर चल गया है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शाइस्टर्स ब्लॉग। मैं सायमा और आज का ब्लॉग है हमारा चांद रात का ब्लॉग। अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, नो मेहंदी नथिंग, कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने घर की सफाई करी है इसलिए मैं यहाँ दोपहर से ही स्टार्ट कर पा रही हूँ। मम्मी और मैं पहले काम से गए, फिर वापस आए, फिर घर की सफाई की, चीजें सेट की, जितना कूड़ा था सब निकाला, बहुत सारी चीजें। इन्हें बच्चे जितना हम साफ करते हैं उतना हमारा और मायशा फैला देते हैं। झूठी है। मैं झूठ गंदी बात है बेटा, ऐसे बड़ों को नहीं कहते है ना हमारा। सॉरी कौन बोलेगा? सॉरी। ठीक है अब जल्दी से आपका अपना खाना फिनिश करो। ये आपकी स्लीपर्स यहाँ जो आपने फैलाई है वो वापस यहाँ पे रखना है बाहर, ठीक है? अपनी बुक्स पैक कर लो चलो। तो हम रुखसार के घर से ईदी आई थी और उसमें मेरे लिए और मायशु के लिए कपड़े आए हैं। ये है कॉटन का कुर्ता सेट पिंक कलर का, प्यारा सा डबल शेडेड दुपट्टा है। और मायशु की ड्रेस भी मुझे बहुत क्यूट लग रही है, दिस ऑलिव ग्रीन पैंट्स एंड दिस रफल लेयर टॉप। ये है टॉप और ये काफ़ी प्यारा है जैक में। प्लेन होता और भी अच्छा लगता है तो मैं सोची मायशु को आज हम यही पहना लेंगे। और ये सूट देखती हूँ मैं कब पहनती हूँ, हल्का सा लूज है ये सूट। लीजा की मामू की गलती है, अलीजा की मम्मी घर आ गई। आज मैं चकमा दे के आई हूँ। मेरे को पता मुझे और मेरे को पता तुम आई क्यों, तार के लिए मैं बाहर जाना था ना। और मेहंदी मेहंदी क्या चकमा देकर आया हूँ, मुझे कह रही थी कि 5 बजे तक आ जाऊंगी, वो 5:30 कितनी मुश्किल। हाँ मेरा व्लॉग में देखना, मतलब ये कि आधा घंटे चकमा दे के लेट आ रही है। आधा घंटा ही तो जल्दी आई है। और ये कोई दिखावा नहीं, ये रियलिटी है। पापा कभी जाना, आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, पापा कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। तो पापा को जाना ही अच्छा लगता है। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं अरेबिक कैफे जा रहे हैं जो शाहीन बाग में पड़ता है फॉर इफ्तार। और अगर हमें वहाँ पे मेहंदी वाला भी अच्छा मिलेगा तो हम मेहंदी भी वहाँ से लगवा लेंगे ताकि हम सीधा घर आए और फिर ईद की प्रिपरेशन करें। सभी को ईद मुबारक इन एडवांस, चांद रात मुबारक। और लेट्स सी आज चांद हम देखेंगे। बाय द वे मेरे भाई का भी कॉल आया था जो दुबई सऊदी में रहते हैं। बुरा तो बहुत लगता है यार, उनकी आज ईद हो गई, वो सऊदी में रहते हैं। सऊदी में हमेशा एक दिन पहले मनाई जाती है। यार लेकिन साहब एक बात बताऊँ, वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है नहीं, ऑटो चलना पड़ेगा हमें। मैनेज कर लेंगे, चलना बच्चे भी तो वो दे पहले कपड़े उतार दिए उसने, फैला हुआ है भाई साहब। जल्दी मायशा चलो लेट्स गो, चलो वी आर रेडी, लेट्स गो। नहीं नहीं बैग ले लिया, मम्मी ने बहुत प्यारा सा सूट पहना है, शरारा सूट। और रुखसार ने बहुत ही सुंदर इंस्टाग्राम के पेज पे आया हुआ सूट। और फहीम ने पहना है कुर्ता, मायशु ने पहनी है मामी के घर की ड्रेस। डांस करके दिखा दो कैसी लग रही हो, ये। और अलीजा ने भी बहुत प्यारी, मायरा ने बहुत प्यारी शर्ट पहनी है। चलो लेट्स गो, वी आर रेडी एंड पापा ओके। चलो लीजू पानी ले रहा है दुकान से क्योंकि हम पानी लाना भूल गए थे, खजूर हम लेके आ गए थे।
हम यहाँ पर आए, मेरे को था कि मैं अरबिक में करूंगी बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद है, उनका सारा स्टाफ जा चुका है। ट्राई करें हम कुछ कहीं और जाएंगे, इफ्तार तो निकलेंगे। एक बार एम्बियंस देख के आ जा रहा हूँ। चलो कहीं नहीं जा रहे तो फिर अब चीजें वहीं चलो, मम्मी को भी लेकर आया। पता कब आया था सायमा? सायमा पता कब आया था? जिस दिन रुखसार को फर्स्ट पेन डिलीवरी वाला पेन उठा था ना, उसी रात में रुखसार को लेकर आया था। सहरा से निकल के बाहर कुछ मीठा खाने के लिए आए हैं कूल पॉइंट पे। हाँ ये दे सकते बच्चों को बादाम शेक। ये बच्चों की तो खुशी है सब कुछ। चार तुम डाइटिंग पे थी आई थिंक। A few hours later. Right, so हम आ गए अपने घर के पास अलकनंदा मार्केट और यहाँ पे as usual लास्ट ईयर की तरह बहुत भीड़ है और लास्ट टाइम की तरह हमें देव भैया यहाँ वापस से मिले हैं। इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो हमें मेहंदी लगा देंगे बट लग नहीं रहा क्योंकि उनके पास काफ़ी भीड़ होती है हमेशा की तरह। तो सार को मैंने अलग खड़ा किया है और मम्मी को मैंने अलग खड़ा किया है ताकि उनकी नंबर आ जाए, हम और वेट नहीं कर सकते, हम बहुत पहले से निकले हैं। अलीजा को वहीं संभालेगा और हम लोग नहीं रहेंगे। इस बार तो मेरे पास मार्शल है। A few moments later. लोगों को तो जैसे खुला हुआ आसमान मिल गया। देखो माशा को, माशा को, माशी, माशु यहाँ लाच अलकनंदा में इतना अच्छे से खेल रही है और मम्मी और भाभी दोनों वेट कर रही है। टॉयज के शॉप के बाहर क्या हो रहा है? गुड्डा गुड्डा मेरा देखिए रंगत उड़ चुकी है। चेहरा दिखा दो, आईज दिखाओ। एक्चुअली हुआ क्या, जिस ऑटो में बैठ के यहाँ पे उतरे थे उसी ऑटो के जस्ट पीछे ही सार का बैग रख दिया था, फोन भी, वॉलेट भी, सब कुछ। बट ऑटो वाले भैया अच्छे निकले कि उन्होंने हमारा कॉल उठा लिया 7-8 बार करने पे कि हाँ बज रहा है। रुखसार का नंबर उठाया एंड फाइनली रुखसार का बैग मिल गया। मैं कह रहा मैम आप भरोसा रखो मैं आ रहा हूँ 15 मिनट पे और मैं आपका आके बैग देता हूँ। रुखसार की ईद बन जाती है सच में। रुखसार बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। चलो मैंने कहा था मैं हमेशा ये सोचती हूँ किसी की अगर मेहनत की कमाई है ना वो कभी नहीं जाती। मेरा जो 40,000 का स्ट्रेटनर था डाइसन का वो गुम हो गया था और मैं हमेशा ये कहती थी अपने दिल को कि कोई बात नहीं अगर मेरी मेहनत की होगी लौट के आएगी। और वो फॉर्चुनेटली आकांक्षा दीदी के पास निकला। आई डोंट थिंक किसको बताया था मेरा डाइसन का स्ट्रेटनर था 40,000 rupees का, वो मुझे मिल गया था आकांक्षा दीदी के पास निकला था 1 महीने बाद। टिप से लगाएंगे जब मैं अपनी मेहंदी लगवा रही हूँ यहाँ पर। हमें चांद वाला डिज़ाइन चाहिए और फिज़ा भी हमें ज्वाइन करने वाली है। मैं ऐसा जा नहीं रही है तो इसलिए से कार्टून मिल जाए। मम्मी के हाथ की मेहंदी लग गई है, फाइम को घर भेज दिया है। देखो फिज़ा ने हमें ज्वाइन कर, गाइस फिज़ा एज ऑलवेज ब्यूटीफुल लग रही है। मैंने भी कटवा लिए पर मेरे तो बच्चे नहीं। खैर मैंने तो बहुत शॉर्ट करा लिए। तो लास्ट में खैर ये तो चांद रात है तो लास्ट टाइम वो पहना था ब्लैक कलर का ईद पे सूट। नहीं 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 लास्ट लास्ट वाला भैया कितनी देर बस अभी रुखसार तेरे को ज्वाइन करेगी रुक जा। लांगी आया हो गई ना तभी तो चौकस मैं खाऊंगी नहीं तेरे साथ ज्वाइन करूंगी। चल रही हूँ का फोन और बैग
बैग मिल गया। साइमा ये क्या बोल रही है साइमा, ये तुम्हारी दादी के लिए चप्पल मंगाई है। यार मम्मी ये मैं ले लूंगी, ये लो डॉक्टर सोल पहनो, डॉक्टर सोल ये लो। ये मेरी माँ के पैरों में जन्नत है। मजाक कर रही हूँ, देखो रुखसार देखो कैसी लग रही है चप्पल, बहुत सुंदर लग रही है। डॉक्टर चप्पल बहुत अच्छी है, मेरी मेहंदी मैं अपनी मेहंदी दिखाना तो भूल ही गई। ये देखो रुखसार लगवा के आई है आगे पीछे, मैं लगवा के आई सिर्फ पीछे पीछे, आगे चांद बनवाया क्योंकि मेरी मायशू भूखी थी, तो मेरे को ये था कि मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मायशू को कपड़े उतारे, डायपर उतारा, उसको दूध दूंगी। और दिस इज माय फेवरेट वन क्योंकि मेरे को उसमें चांद तारे लगवाने थे, बट ये भैया ने पता नहीं क्या ही लिख पोत दिया, कभी मैंने इतना खुशी नहीं होती हूँ। अब मैं मेकअप लेके आई हूँ अपने साथ में, ऐसे चांद बना लूंगी, बहुत प्यारा लगेगा देखियो। अपने हाथ की मेहंदी में बहुत खूबसूरत लगा, मायशू को भी मंगा मेहंदी। A few moments later. इधर देखना मायशू कौन लगा रहा है मेरे बच्चे की मेहंदी, ये नानी है। ओले कितनी सुंदर, पहले मैं हाथ दिखाओ तो ये क्या मेहंदी लगाई, मेहंदी खराब कर दिया, खराब किया बेटी, ये लगा लो। मामू ने किया मैंने कर दिया, हाँ मेरे हाथ पे लग गई कह रही है। बहुत सुंदर मेहंदी है। मायशू मायशू ईद मुबारक बोल, ईद मुबारक बोल, इधर तो देखो इधर तो बोलो ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक ऐसे नहीं, इधर देख के, इधर देख के मायशू बोलो ईद मुबारक, ईद कुत्ता पाला, चांद रात का व्लॉग, मेरे हाथ में मेहंदी ये वाली खराब हो गई है, इसमें मैंने लगाई नहीं है और पीछे रची नहीं है, सुबह दिखाएंगे ईद के व्लॉग में। माशा 902 का कैदी बाहर, 902 का कैदी है और ये है 259 का कैदी, इनके शॉर्ट्स पे नंबर्स लिखे हुए हैं। सो या गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस व्लॉग, मिलते हैं ईद वाले व्लॉग में, बाय बाय, बाय करो मायरू, बाय बाय मायशू, बाय करो। ऐसे बोलो आज हमारे घर में पार्सल आया था, जैसे अनबॉक्सिंग करते हैं, आया था पार्सल, आज हमारे घर में पार्सल आया था, आप भी बोलो, आप भी बोलो, मैं